हेलो व्यूवर, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव पीसीबी। तो दोस्तों, आज हमने एक सर्किट बनाया है जो कि TDA 2030 वाला सर्किट है, जो कि आपको नेट से भी मिल जाती है उसकी फाइल, जो कि ये आपको नज़र आ रही होगी। तो आज हमने इसका सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट मेरा नहीं है, हमने इसका जो लो पास वाला फिल्टर है जो कि आप बेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो है NE5532 नंबर का जो IC लगा होता है, हमने इसका सर्किट बनाया आज। तो दोस्तों, ये ब्रिज मोड के अंदर है, दो इसके ये IC जो लगे हैं, ये आपके स्पीकर को आउटपुट देते हैं, ठीक है, जो कि आप 20 वाट का स्पीकर आउटपुट एक सिंगल पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 वाट आपको दो IC देंगे आपके स्पीकर के लिए। तो ये आपका 35 वाट का 35 वाट ये ब्रिज मोड के अंदर आपको IC देंगे, जो आप एक बूफर चला सकेंगे। तो इसके लिए ये मास्टर वॉल्यूम होता है, जो कि वॉइस को कंट्रोल करता है, आपके स्पीकरों को कंट्रोल करता है, और ये होता है सब के ऊपर काम करता है ये वॉल्यूम कंट्रोलर। तो ये आपका बेस को कंट्रोल करता है। तो इसका सर्कल जो है, ये जो वॉल्यूम आवाज़ का होता है, ये आपका इतना लगभग इतना काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये वाला या मैं एरो तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्पीकर का कितना सर्कट होता है। तो ये इतना जो है पार्ट, जो हिस्सा इसका बनता है, यहाँ पर ये मैंने निशान लगाया, तो ये स्पीकरों के लिए, ठीक है। इसके आगे सब बेसर का काम आता है। तो अभी ये मैं जो एरो लगाने लगा हूँ, ये आपका सब बेसर के लिए, ठीक है। तो ये इतना सब बेसर का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये सब बेसर का है और ये स्पीकर का है। तो आज हमने जो यूज़ किया है, वो ये पूरा सर्कल नहीं यूज़ किया, हमने जो सर्कल यूज़ किया है वो इतना सर्कल यूज़ किया है, ये जो है ये वाला, ठीक है। ये इसका PCB क्रिएट किया है, ये ब्रिज मोड के अंदर है। दो IC अगर आप ब्रिज मोड के अंदर लाएं तो ये 35 वाट आउटपुट देता है आपका सब बेसर के लिए, तो ये स्पीकर के लिए। तो ये पिक्चर को हम अब क्लोज कर देते हैं, आपके माइंड में कुछ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो पहले हम इसकी जो दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने पहले ही निशान लगा दिए हैं। तो ये हमारा जो सर्कल इधर है, ये डायग्राम के अंदर ये शो हो रहा है जो हमने डिज़ाइन बनाया है, और ये ब्रिज मोड के अंदर जो सब बूफर के लिए IC यूज़ की गई हैं 2030 वाली, ये ब्रिज मोड के अंदर ये है, ठीक है दोस्तों। ये इसका लो पास है और ये इसकी आउटपुट के लिए जो IC यूज़ की गई हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर भी काम ख़त्म हो गया। तो अब हम ये सर्किट आपको दिखाते हैं। तो ये हमने क्रिएट किया है इसका PCB, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है, और देखा जाए तो उसकी जो यहाँ पर बहुत कम कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई आउटपुट दी गई है, जो कि क्रिएट की है हमने इसके डायग्राम से डिफरेंट की है, ताकि आपको अच्छा जो है इसका मज़ा मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने डबल सप्लाई देनी है 12 वोल्ट की, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये ग्राउंड, और ये सब ऊपर आउटपुट जो है ये आपने एम्पलीफायर को देनी है, और एम्पलीफायर आपका उधर से आप ले सकते हैं बूफर के लिए। तो ये दरअसल ये एम्पलीफायर नहीं है, ये इसका लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं आप, फ्रिक्वेंसी फिल्टर भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये ड्यूअल बनाया है, तो स्पीकर आप बेसर एक चला सकेंगे, ठीक है, ये आप बेस के ऊपर ये वॉल्यूम कंट्रोलर काम आएगा कंट्रोल करने के लिए। और ये इसकी हाई आउटपुट हमने जो इधर आपने इनपुट करनी है और इधर से आउटपुट ले लेनी है। वैसे तो आप डायरेक्टली आप मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट एम्पलीफायर के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसकी DB लो होती है, तो उसकी आपको पूरी वॉइस आवाज़ जो है ना वो नहीं मिल सकेगी। तो इस वजह से हमने ये इसके अंदर ही सर्किट बना दिया है, आपने इनपुट इसको देनी है,
जितनी चाहिए सब बूफर को वो ले लेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो काफ़ी हाई आउटपुट जो स्पीकरों की तरफ आपकी जाएगी वो आपको ये मिल जाएगी, ये ऑडियो आउटपुट जो स्पीकर के लिए आउटपुट है, ठीक है। और ये सर्किट आज का हमने बनाया है तो ये बहुत आसान है, ये इतना महंगा भी नहीं है और इसका बहुत अच्छा मज़ा लेने वाले हैं, क्योंकि वो टोटल जो सर्किट हमने ये आपको दिखाया, सॉरी, तो ये हमारा जो सर्किट है ये टोटल 75 वाट जो आउटपुट देता है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 400 वाट का 400 वाट का जो पीसीबी है वो क्रिएट करने वाले हैं, जो कि TDA 7294 वाला आईसी हम लगाएंगे, वो 4 IC लगाएंगे, 2 IC को हम ब्रिज मोड के अंदर रखेंगे और 2 को हम स्पीकरों के लिए रख देंगे। दो आप इस सर्किट के ऊपर तो आप जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कि 4 इंच के आप स्पीकर यूज़ कर सकते हो और 4 से 6 इंच तक आप बूफर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो हम तैयार करने वाले हैं सर्किट इस पीसीबी के लिए वो हम 12 इंच का सब बूफर यूज़ करेंगे और 10 इंच के 2 स्पीकर यूज़ करेंगे, जिसकी बहुत हाई आउटपुट होगी और आप अपने पीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो किसी चीज़ के साथ भी आप उसको अटैच कर सकेंगे, उसको हाई आउटपुट आपको मिलेगी, 400 वाट, 400 वाट आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 75 वाट कहाँ हैं और 400 वाट कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सर्किट इसके लिए बनाया है, वो जो सर्किट हम बनाएंगे उसी के अंदर ये जो लो पास है उसी के अंदर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने इनपुट करनी है और सप्लाई भी उसी के अंदर से ले लेगा, ठीक है। सिर्फ एक आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, तो और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की बात हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं ब्रिज मोड के अंदर जो एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं। तो आज की इसी वीडियो के साथ नासिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।